डिस्लॉक हो जाने पर पहिया पे एकदम ड्रॉप कर देता है और बिल्कुल आगे ही नहीं जाता गाड़ी। सुबह सुबह का टाइम, धूप भी नहीं है, काफी अच्छा हवा चल रहा है। हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मेरा नाम है पंकज सिन्हा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस बाइकर। तो सभी को स्वागत करते हैं एक नया वीडियो में। आज बेसिकली मुझे अभी जाना है बजाज शोरूम में यानी वर्कशॉप में। मेरा जो बाइक का एनएस का जो फ्रंट ब्रेक है वो लॉक हो जा रहा है बार बार, पता नहीं क्यों, लेकिन अभी चलना है बजाज शोरूम। तो यहाँ पे थोड़ा लीवर का कुछ प्रॉब्लम है, यहीं पे अभी इसको थोड़ा अभी फिलहाल टाइट किया जा रहा है। अभी कोई टेंशन नहीं है, जो प्रॉब्लम था वो मैंने सॉल्व कर दिया। अभी आप गाड़ी को बिंदास चलाओ, लेकिन इसका जो डिश बॉकेट है इसको चेंज करने से नया जैसा हो जाएगा। अभी फिलहाल ठीक है, डिश लॉक नहीं होगा। भैया तो वही बोल रहे, फिलहाल अभी डिश लॉक नहीं होगा। डिवाइडर्स है, घूम के जाना पड़ता है। ये जो तुम बड़े बड़े ये डिवाइडर, यहाँ पे डिवाइडर था, यहाँ पे अभी पत्थर दे के रखा है यार। घर से निकलते मुझे घूम के अभी अपने लेन पे आना पड़ता है। ये स्टर्न बाईपास रोड है, यहाँ पे जहाँ डिवाइडर था वहाँ ब्लॉक कर दिया। सो गुड मॉर्निंग पीपल, मेरे घर के सामने ऐसे डिवाइडर मतलब था, अभी डिवाइडर ब्लॉक कर दिया। मतलब कभी कभी छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है ना, इसीलिए। सो अभी टाइम है सुबह का 9 बज रहा है। सो एक प्रॉब्लम है जो मैं तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, जो प्रॉब्लम ऑलरेडी हो चुका है, हो गया है, उसका सॉल्यूशन भी हो गया है। मतलब 2 या 3 हफ्ता पहले मैं अपनी भैया की शादी में गया था। शादी में जाने से पहले मैंने अपना बाइक का चेन और जो ब्रेक है, हैंड ब्रेक, फ्रंट ब्रेक है मेरा, वो मैंने उसको थोड़ा ठीक किया था। उसको ठीक करने के बाद शादी में जाने के बाद, जाके आने के बाद तब तक तो बाइक एकदम सही चल रहा है। लेकिन तब से ना बाइक ज़्यादा मैंने हाथ नहीं दिया था, ज़्यादातर भैया लेके गए थे। तो हर वक्त क्या होता था, भैया जिस दिन जैसे भैया लेके जाते थे, ये जो फ्रंट ब्रेक है मेरा, ये फ्रंट ब्रेक क्या हो रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा टाइट हो चुका था। ये लीवर ज़्यादा हिलता नहीं था, ठीक है, ऐसा टाइट कर दिया था उन्होंने। तो मेरे हिसाब से ठीक ही था, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा टाइट हो गया था यार। ये लीवर टाइट करने के कारण क्या होता है, ये तो ज़्यादा मूवमेंट हो नहीं पा रहा था, इसीलिए क्या हो रहा था, बार बार डिश लॉक हो जा रहा था। तो डिश लॉक होने के कारण तो बाइक बार बार आगे नहीं जा रहा था। ऐसा मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। मतलब जब भी भैया बाइक लेके जाते थे, भैया के साथ ही ऐसे प्रॉब्लम, ऐसा दिक्कत आता था। पता नहीं मेरे साथ मेरा कुछ इस बाइक का प्रॉब्लम आता नहीं है ज़्यादा। जैसे भैया लोग लेके जाते हैं बाइक, उनके हाथों ही कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाता है। ऐसा फैक्ट हो चुका है, ऐसा हो रहा है। लेकिन सच में भाई, सच बोलूँ कि मेरे साथ ऐसा होता नहीं है कि मैं जब बाइक लेके निकलता हूँ तब कोई प्रॉब्लम देता नहीं है। ये सीरियस बात है, पता नहीं यार क्यों। ये मेरा फ्रंट जो ब्रेक है, ये इसी के कारण लॉक हो रहा था कि इसका जो लीवर है, ये लीवर बहुत टाइट हो चुका था, ये एकदम मूवमेंट ज़्यादा कर नहीं पा रहा था। लेकिन कल रिपेयर करने के बाद, कल मतलब 2 दिन पहले मैंने इसको ठीक किया था। तो ठीक करने के बाद तुम लोगों ने देख ही लिया, वर्कशॉप में मैं गया था। तो ठीक करने के बाद फिलहाल अब ये ठीक है, अच्छे से मूवमेंट हो रहा है, प्लस ये अभी डिश लॉक हो नहीं रहा, जो कि अच्छी बात है। डिश लॉक हो जाने पर पहिया तो एकदम ब्लॉक कर देता है और बिल्कुल आगे ही नहीं जाता गाड़ी। भैया ने मुझे जैसे बताया, जस्ट भैया लोग इजीली जा रहे थे, नॉर्मली ऐसे स्पीड से जा रहे थे, स्पीड मेंटेन करते हुए। धीरे धीरे क्या हुआ, अचानक से खुद से ब्रेक लग के बाइक एकदम रुक गया, बाइक बिल्कुल आगे नहीं जा रहा है, ऐसा कंडीशन है। पता नहीं मैं सही से एक्सप्लेन कर नहीं पा रहा तुम लोगों को, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है यार, और मतलब सुबह का टाइम है, ज़्यादा बात हो नहीं रहा, मतलब ज़्यादा कुछ मुंह से निकल नहीं रहा, इसीलिए सुबह का टाइम है, सभी लोग यहाँ पे आते हैं मॉर्निंग वॉक को। बापा पीपल सब लोग खेल रहे हैं, अच्छी बात है यार, सुबह सुबह का टाइम है, अभी सब बच्चे लोग अभी क्रिकेट खेल रहे हैं, अच्छा खासा एनवायरनमेंट है, ये सुबह सुबह आके अच्छा लग रहा है यार फील। मैं सुबह सुबह इसलिए आ गया कि ताकि भाई मेरा अभी टाइम नहीं है ब्लॉग करने का, अभी सुबह के 9 बज ही चुके हैं। अब से मैं मतलब एक नया काम पे मैंने ज्वाइन किया है, जस्ट 2 दिन हुआ है ज्वाइनिंग के लिए। 15 दिन तक मुझे कोई छुट्टी नहीं मिलेगा और हफ्ते में 1 ही छुट्टी मिलेगा, वो भी विदाउट सैटरडे और संडे छोड़ के। यार वो बड़ी दिक्कत भरा बात हो गया, लेकिन अभी क्या करूँ, वैसे मुझे काम नहीं मिल रहा था और पैसा भी चाहिए था कहीं पर लॉन्ग राइड जाने के लिए, इसीलिए कुछ भी हो नहीं रहा था। बाइक को भी मॉडिफाई करना, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन है, इसीलिए भाई काम चाहिए था, बस काम मिल गया, अभी काम ज्वाइन कर लिया जैसे जैसे, लेकिन ब्लॉग को जैसे जैसे भाई कंटिन्यू करना है, इसीलिए बस मैं आ गया सुबह जल्दी उठ के, जैसे भी छोटा एक ब्लॉग करना है, इसीलिए मैं आ गया, निकल पड़ा। जैसा कि मैंने तुम लोग को बताया, फ़िलहाल मेरे पास अभी अब से टाइम नहीं रहेगा। जैसे एक दिन मुझे टाइम मिलता है, जिस दिन छुट्टी मिलता है, उस दिन मैं डायरेक्ट कहीं पे राइड पे निकल जाऊंगा। अभी ये 15 दिन तक मुझे कोई छुट्टी नहीं मिलेगा, शाम को भी टाइम नहीं मिलता, क्योंकि शाम को मुझे जोमेटो में जाना पड़ता है, और जोमेटो फिलहाल मुझे कंटिन्यू करना चाहिए कि थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे मुझे मेरे पास आ जाए, इसलिए मैं कंटिन्यू करना चाह रहा था, कंटिन्यू मैं कर रहा हूँ जोमेटो, इसीलिए और भी ज़्यादा टाइम मिल नहीं रहा, इसलिए अभी सुबह का मतलब 2 घंटा टाइम मेरे पास है। अभी मैं तुम लोग देख ही सकते हो, मैं अभी खुला लोकेशन पे आया हूँ, सुबह सुबह का टाइम, धूप भी नहीं है, काफ़ी अच्छा हवा चल रहा है, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही अभी साइलेंट है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। साइलेंट रहता है क्योंकि ये जंगल साइड है थोड़ा, पीछे देख सकते हो यहाँ पर नदी है, मैं तुम लोगों को सामने जाके दिखाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है, इसलिए उस दिन देख के गया था, मतलब आऊँगा तो यहीं पे थोड़ा ब्लॉग करूँगा। ये देखो चारों ओर नदी ही नदी, ये पूरा नदी है एक, सुबह मेरा बाइक बहुत ही साइलेंट और बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। उस तरफ से उस जंगल से सामने पक्षियाँ चिल्ला रहे हैं, अच्छा लग रहा है सुन के सुबह सुबह टाइम। और एक चीज़ तुम लोगों को दिखाते हैं, और ये जो थिंक है, मतलब पता नहीं तुम लोग गोप्रो में देख पा रहे हो कि नहीं, ये वाला ऐसे ही घास पे उगते हैं, ठीक है, और ये देखो ये घास पे उगते ही ऐसे पैंट पर लग जाता है, हम लोग तो बंगाली में बोल सकते हैं, लेकिन हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं भाई, ये ऐसे ये जस्ट पैंट को, तो इसलिए थोड़ा मैंने उठा लिया ताकि ज़्यादा लगे ना। काफ़ी खूबसूरत लोकेशन लग रहा है यहाँ पे आके, सांस लेके भी अच्छा लगा, आना चाहिए वैसे। सो यहाँ मैंने मतलब एक इतना खूबसूरत सा प्लेस है, सो यहाँ मैंने कुछ लोगों को ऐसा भी देखा कि भाई यहाँ पे ऐसा खुला प्लेस है, अभी मतलब सुबह सुबह अगर कोई आता तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग आए हैं, कुछ लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आए हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज कर भी रहे हैं, ठीक है, एंड कुछ लोग जो कि अपना सुबह का काम निकाल रहे हैं, मतलब यहाँ पे आके शौच कर रहे हैं, घर पे बाथरूम होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन यहाँ पे आके बाहर खुले में आके शौच कर रहे हैं। सो भाई ये सब छोड़ते हैं, मैंने जो कुछ भी मैंने तुम लोगों को बताया, तुम लोगों ने वीडियो में देख ही लिया कि मैं वर्कशॉप में गया था, थोड़ा ब्रेक का जो लीवर है वो थोड़ा टाइट हो चुका था, उसका मैंने ठीक करवाया। ऐसा नहीं कि मैं भाई झूठ बोल रहा हूँ, मतलब जो प्रॉब्लम हुआ था वो भैया के हाथों ही हुआ था, मतलब भैया जब भी बाइक लेके निकल रहे हैं 3-4 बार, ऐसा 3 बार हुआ है भैया के साथ, इसलिए भैया को मतलब बहुत ही ज़्यादा उसको गुस्सा आ गया था, क्योंकि सही पे अगर बाइक लेके तुम कहीं पे जा रहे हो, ऐसा कुछ दिक्कत आ गया, बाइक आगे ही नहीं बढ़ रहा, बाइक आगे बढ़ रहा था तो अलग बात था, वो पैदल चलवा के मैकेनिक के पास ले जा पाता था, लेकिन ऐसा हुआ था ना वो उस टाइम सिचुएशन, भैया आगे नहीं जा रहा तो क्या होगा, बाइक को वहाँ पे छोड़ के, ऐसा मतलब पॉसिबल नहीं था, जैसा कि मूवी में होता है कुछ खराबी आता है तो भाई बाइक या कार छोड़ के निकल जाता है, लेकिन ऐसा भाई हम लोग के साथ नहीं होगा ना। ऐसा होगा तो बाइक ही गायब हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं तुम लोग को झूठ बोल रहा हूँ, एकदम सच है ये। इसी ये सच मैं तुम लोग के साथ शेयर करने के लिए जस्ट यहाँ पे आ गया। और फिलहाल तो वैसे ही मेरे पास टाइम है नहीं, टाइम होगा नहीं, इसीलिए जैसे भाई मुझे अपना ब्लॉग कंटिन्यू करना है, इसीलिए मैं ब्लॉग करने के लिए आ गया बस। और भाई थोड़ा सा तुम लोग का सपोर्ट चाहिए, अपने PS बाइकर को थोड़ा सपोर्ट करो, क्योंकि भाई भैया ये बंदा बहुत दिनों से मतलब यूट्यूब के लिए पागल है। यूट्यूब कंटिन्यू मैं करना चाहता हूँ, ऑलरेडी 2.5 साल हो रहा है मेरा यूट्यूब में, कुछ ग्रो हो नहीं रहा, इसलिए सोच रहा हूँ भाई आपसे जैसे भी हो भाई लाज शर्म सब कुछ दूर रख के ब्लॉग अपना कंटिन्यू करना है बस। जैसे भी हो अपना ड्रीम्स जो है फॉलो करना है। आई थिंक तुम लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मतलब मैंने जो कुछ भी बोला, सुबह का टाइम है, पता नहीं सही से मैं एक्सप्लेन कर पाया कि नहीं, लेकिन जो भी हो आई होप कि तुम लोग का अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ भाई लाइक कर देना, कमेंट कर देना, एंड साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना। एंड जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो अपने चैनल को, सो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना अपने PS बाइकर को। एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक पेज का लिंक भी दिया रहता है, तुम लोग चाहो तो लाइक एंड फॉलो कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं यहाँ से। फिलहाल अभी काम के लिए टाइम हो चुका है, जल्दी जाके खाना वाना खा के काम के लिए निकलना है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।